गोवा जो कि फेमस है अपने मेजेस्टिक बीचेस, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स एंड टेस्टी सी फूड के लिए आज अनडाउटेडली इंडिया के मोस्ट फेमस बीच डेस्टिनेशन में से गिना जाता है। स्पेशली इस टाइम जब विंटर आने ही वाला है, गोवा में टूरिस्ट की संख्या और होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है। सो अगर आप भी गोवा विजिट करने वाले हो और यहाँ के बेस्ट बजट होटल्स एंड रिजॉर्ट के बेस्ट डील को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So hello guys, this is Sumi and welcome back to our channel Deep Sumi Blogs, when you can find anything and everything related to tours and travels. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ गोवा के टॉप 10 होटल्स एंड रिजॉर्ट के बारे में, जहां हमने सारे होटल्स को 100,000 रुपीज से लेके 5,000 रुपीज के प्राइस रेंज में सिलेक्ट किया है। एंड डोंट वरी, अगर आप साउथ गोवा में स्टे करना चाहते हो तो बहुत जल्द साउथ गोवा के भी सेपरेट वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने मत भूलना। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, हमने ये लिस्ट करंट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है, सो टाइम्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो सकती है। हैविंग सेड दैट, लेट्स क्विकली बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सो गाइज, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप गोवा में एक बेस्ट बजट होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप पूनम रिजॉर्ट होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 100,000 रुपीज़ में ही देखने को मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 780 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। ये होटल नॉर्थ गोवा के डिमेलो वाडो में लोकेटेड है एंड यहाँ से अंजुना बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1.6 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इस होटल की, तो यहाँ आपको रूम फुल नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस होटल के आउटडोर एरिया भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको स्विमिंग पूल, ओपन डाइनिंग एरिया एंड आउटडोर गेम जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहां रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल हो तो आप भी इस होटल को बुक कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप गोवा जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में 100,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में होटल या होम स्टे नहीं बल्कि रिजॉर्ट बुक कर सकते हो, तो क्या आप ये यकीन करोगे? सो यस गाइज, आप रफल बीच रिजॉर्ट में सिर्फ 1,000 रुपीज़ में अपना रूम बुक कर सकते हो। ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के फोर्ट अगुआडा रोड में स्थित है, जहाँ से सनक्यूरियम बीच सिर्फ 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। इस रिजॉर्ट में आपको रूम का कंडीशन काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ आपको रूम के साथ साथ एक छोटा सा बैल्कनी भी मिल जाता है। यहाँ के आउटडोर एरिया में आपको बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, बार एंड एक ब्यूटीफुल सा ओपन डाइनिंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। इस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड यहाँ आउटसाइड फूड एंड अनलिमिटेड कपल्स भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। हमारे लिस्ट के नंबर 8 में आता है गोल्डन सैंड्स रिजॉर्ट, जो कि आपको 1,000 to 2,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 1,700 रुपीज़ देखने को मिल सकता है। ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के मोर्जिम बीच रोड में लोकेटेड है, जहाँ से मोर्जिम बीच का डिस्टेंस सिर्फ 650 मीटर्स है। तो अगर आप एक पीसफुल जगह में स्टे करना पसंद करते हो तो आपके लिए ये रिजॉर्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपको रूम का कंडीशन काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया में आपको एक ब्यूटीफुल सा गार्डन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको स्विमिंग पूल जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अक्सर गोवा के नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है ढेर सारे वाटर एक्टिविटीज़ एंड फुल फन। तो अगर आप भी गोवा में आके वाटर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से इंजॉय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लेजी बी कॉटेज में अपना स्टे कर सकते हो, क्योंकि ये कॉटेज बाघा बीच से सिर्फ 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोकेटेड है और बाघा बीच नॉर्थ गोवा में वाटर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये रिजॉर्ट आपको 1,000 to 2,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस टाइम इस रिजॉर्ट को बुक करते हो तो आपको यहाँ रिजॉर्ट का प्राइस 1,500 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में आपको रूम भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसके आउटडोर एरिया में आपको काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन एरिया देखने को मिल जाएगा, जहां आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेरिड कपल्स एंड पेट्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। सो गाइज, अगर आप गोवा में एक ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट बुक करना चाहते हो तो आप स्टोन वुड विलेज रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो,
जो कि आपको 2000 टू 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप रिसेंटली ही यहाँ विजिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 3200 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के मॉर्जिम बीच से सिर्फ 750 मीटर्स के डिस्टेंस में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो यहाँ आपको पूरे रिजॉर्ट वुडन स्ट्रक्चर के ही बने देखने को मिल जाएगा, जो कि इस रिजॉर्ट को और भी स्पेशल बनाती है। यहाँ आपको रूम्स बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही यहाँ के आउटडोर एरिया भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको पिक्चर क्लिक करने के लिए सेल्फी स्पॉट, स्विमिंग पूल एंड एक खूबसूरत सा सिटिंग एरिया भी मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल हो तो आप भी इस रिजॉर्ट को बुक कर सकते हो। हमारे लिस्ट के नंबर 5 में आता है सिंक प्राइव होटल, जो कि आपको 2000 टू 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस होटल का प्राइस आपको 2800 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये होटल नॉर्थ गोवा के फोर्ट अगुआडा रोड में लोकेटेड है, जहां से सनक्यूरम बीच के डिस्टेंस सिर्फ 800 मीटर्स है। अब अगर इस होटल की बात करें तो ये होटल लग्जरी होटल होने के कारण आपको यहां रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन और डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस होटल में आउटडोर एरिया भी आपको काफी अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस होटल के रूफटॉप में आपको एक ब्यूटीफुल सा इन्फिनिटी पूल, जकूजी एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस होटल में आपको अनमैरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। गाइज, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप गोवा के काफी पॉपुलर रिजॉर्ट पार्क इन बाय रेडिसन रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 3000 टू 4000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 3580 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के फोर्ट अगुडाहा रोड में लोकेटेड है एंड यहाँ से कैंडोलिम बीच सिर्फ 14 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है। इस रिजॉर्ट में आपको रूम्स काफी बड़ा और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको कंफर्टेबल एंड कोजी वाला फील आएगा। रूम में आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक ब्यूटीफुल सा बैल्कनी भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर आउटडोर एरिया की बात करें तो इसके आउटडोर एरिया में आपको स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, बार, जिम एंड पूल साइड रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है एंड इस रिजॉर्ट में पार्किंग भी अवेलेबल है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और आप अनमैरिड कपल हो तो आप भी इस रिजॉर्ट को बुक कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप गोवा में एक ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो विद लग्जरी फैसिलिटी, तो आप द टर्मिनिंग जिंक रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 3000 टू 4000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप रिसेंटली ही यहाँ अपना रूम बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम 3360 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट अंजुना बीच से 4 किलोमीटर दूर अंजुना मापुसा रोड में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो इस रिजॉर्ट को खास बनाती है इसकी ब्यूटीफुल सा फ्रेंच आर्किटेक्चर। तो अगर आप अपने गोवा ट्रिप को और भी खास बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ अपना स्टे कर सकते हो। यहाँ आपको रूम का कंडीशन काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया भी आपको काफ़ी खूबसूरत सा डेकोरेटेड देखने को मिलेगा, जहाँ आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, पूल साइड बार एंड बेकरी भी देखने को मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ के रेस्टोरेंट में फ्रेंच डिशेज भी इंजॉय कर सकते हो। इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। अब अगर आप नॉर्थ गोवा में एक बेस्ट लग्जरी रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो तो आप गोवा के काफ़ी फेमस रिजॉर्ट सेवैया बीच रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 4000 टू 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप इस टाइम इस रिजॉर्ट को बुक करते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 4800 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के मॉर्जिम बीच में लोकेटेड है और ये एक सी फेसिंग रिजॉर्ट है। अब अगर इस रिजॉर्ट की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसके आउटडोर एरिया में आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया भी मिल जाता है, जहाँ से आपको सी व्यू भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है और इस रिजॉर्ट में आपको पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाता है। इस रिजॉर्ट में पेट्स तो अलाउड नहीं है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड अनमेड कपल्स अलाउड है। हमारे लिस्ट के लास्ट एंड नंबर 1 में आता है लकबाना बीच रिजॉर्ट, जो कि आपको 4000 टू 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 5000 रुपीज देखने को मिल सकता है।
ये रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के अश्विन बीच में लोकेटेड है। तो अगर आप गोवा में एक बेस्ट सी फेसिंग रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो विथ ऑल लग्जरी फैसिलिटीज, तो आपके लिए ये रिजॉर्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब इस रिजॉर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रूम्स भी अवेलेबल है, लाइक वुडन रूम्स, टेंट हाउसेस एंड कॉटेजेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ अपना रूम बुक कर सकते हो। यहाँ आपको सारे रूम की कंडीशन काफी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही इसके आउटडोर एरिया में आपको ब्यूटीफुल सी फेसिंग सिटिंग एरिया, प्राइवेट बीच, स्विमिंग पूल, बार एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमैरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। सो आई होप आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।